हेलो एवरीवन, ग्रेड टेंथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए था. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग हिंदी में. आज हम टॉपिक जो लेने वाले हैं दैट इज़ माइटोसिस सेल डिवीजन. इससे पहले आई जस्ट वांट यू पीपल टू हिट ऑन द बेल आइकन. जो बेल आइकन है वो उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि व्हेनेवर मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हुई है. तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा. दैट वुड हेल्प मी. ओके, सो स्टार्टिंग अप विद द टॉपिक माइटोसिस. हम सेल डिवीजन शुरू करने वाले हैं, पहला चैप्टर है और उसका टॉपिक हम उसके अंडर ले रहे हैं माइटोसिस. सबसे पहले जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सारे के सारे सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं एंड देन वो जो है एक पूरा न्यू एंटिटी बनाते हैं. हम एक बेबी से स्टार्ट होके एक पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म बड़े अडल्ट तक बनते हैं. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. तो जो ग्रोथ में हेल्प करता है सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है सेल डिवीजन. क्यों? बिकॉज जो स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन है वो भी किससे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. तो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है. हमारे जो बॉडी है उसमें 24/7 कुछ ना कुछ बनता बिगड़ता रहता है. तो हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर होना है, कुछ भी सेल्स डैमेज हो गए हैं वो रिप्लेस होने हैं, वो सब जो है दैट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. तो इन सब प्रोसेसेस के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम जो है इस क्लास में हम माइटोसिस स्टार्ट करने वाले हैं एंड माइटोसिस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स मैं आपको पहले बता दूं. माइटोसिस जो है, वन, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स. इफ आई से सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब है बॉडी सेल्स. हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट फॉर हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, सारे के सारे सेल्स में जो जो सेल डिवीजन होना है वो कौन सा है? माइटोसिस. हेड टू टो, हमारे सिर से लेके पांव तक जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में जो डिवीजन कॉन्टिन्यूस हो रहा है वो कौन सा है? माइटोसिस हो रहा है, सिवाय हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के जहाँ पर दूसरा डिवीजन होना है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं, वो हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है. ओके, सो दिस सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स और द बॉडी सेल्स ऑफ द बॉडी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे माइटोसिस के बारे में. अब मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने वाली हूँ माइटोसिस का, वन बाय वन सारे स्टेजेस. हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. नाउ स्टार्टिंग अप विद द सेल डिवीजन और माइटोसिस, द फर्स्ट फेज इन माइटोसिस इज इंटरफेज. इंटरफेज इज द फेज वेयर द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन. जो सेल है वो तैयार हो रहा है सेल डिवीजन के लिए. मतलब अब उसकी डिवीजन होनी है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आएंगे. वो चेंजेस क्या होते हैं? मेनली कि जो क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जैसे अगर मैं इंटरफेस का डायग्राम, आई विल बी मेकिंग इट हियर, इफ आई मेक द डायग्राम ऑफ इंटरफेस, तो यहाँ पे वी हैव, यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारे पास. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन मटेरियल है और हमारे पास सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इंटरफेज में. एंड नाउ अब इस टाइम पे द सेल इज रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. सेकंड स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज प्रोफेज. प्रोफेज को हम दो में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लेट प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, थोड़ा थोड़ा इनमें स्टेजेस में चेंजेस है. मैं स्टेज डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊंगी ताकि हमारा एक ही बोर्ड के अंदर कवर हो जाए. सो इंटरफेज, इंटरफेस, अर्ली प्रोफेज जो है, अर्ली प्रोफेज में क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अभी
इंटैक्ट है, बट ये जो क्रोमैटिन मटेरियल था ये क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाएगा, मतलब ये फोल्ड हो जाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा फोल्ड होके. अब ये जो न्यूक्लियस, हम ये ब्लैक वाला जो मैंने बनाया है, दिस इज द न्यूक्लियस, इसके अंदर ये जो क्रोमैटिन मटेरियल हमारा इंटरफेस में हमने बनाया था, वो क्रोमैटिन मटेरियल बहुत थिक हो गया है और उसने यहाँ पे क्रोमोसोम, मैंने यहाँ 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, इवन नंबर बनाया है ताकि हमें बहुत ईजी हो समझने के लिए. तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 की जगह 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिनकी अरेंजमेंट चेंजेस वही सेम आएंगे जो मैं आपको भी बताऊंगी. मैंने आपको फॉर एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स बनाए हैं. दूसरा इसमें चेंज क्या आएगा कि जो सेंट्रोसोम है वो स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होके अलग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसे यहाँ पोल्स पे आना है. तो ये जो सेंट्रोसोम हमारा है, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स में स्प्लिट हो जाएगा और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये रेज इनसे निकलेंगी, जिनको हम बोलते हैं एस्टर रेज. और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है. और जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है. ये जो चेंजेस हैं ये हैं हमारे अर्ली प्रोफेज के, ठीक है. अर्ली प्रोफेज के बाद है लेट प्रोफेज. लेट प्रोफेज में क्या होएगा, लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाएगा और जो हमारे ये सेंट्रियोल्स थे जो अलग अलग हो रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पोल्स पे अपार्ट आ जाएंगे और बिल्कुल सेपरेट दोनों पोल्स पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे. और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो भी जो है ये इसी फ्लो में थोड़ा अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है. ये जो हमारे चेंजेस हैं ये आएंगे हमारे लेट प्रोफेज में. यहाँ पे एक और चेंज आएगा कि जो एस्टर रेज यहाँ पे बने थे उन एस्टर रेज ने अब हमारे बना देने हैं स्पिंडल फाइबर्स. ये जो फाइबर्स हैं जिसके ऊपर ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स. तो अगर मैं इसको लेबल करूँ तो ये हमारा सेंट्रियोल है और एस्टर रेज से यहाँ स्पिंडल फाइबर्स, ये क्रोमोसोम्स जो हैं. क्रोमोसोम्स ने अब क्या किया, अगर मैं इसको आपको यहाँ एनलार्ज करके बताऊं तो अगर ये स्पिंडल फाइबर है तो जो क्रोमोसोम है वो अपने सेंट्रोमियर से, क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं तो ये एक क्रोमेटिड है और ये यहाँ पे सेंटर पे जिससे अटैच्ड है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है. तो ये सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर के ऊपर अपने आप को अटैच कर लेता है क्रोमोसोम, कहाँ पे, और इस फेज में जिसको हम बोलते हैं लेट प्रोफेज, ठीक है. उसके बाद हमारा अगला स्टेज है मेटाफेज. मेटाफेज का कोई अर्ली और लेट फेज नहीं होता, मेटाफेज को हम सिंगल एक ही फेज में पढ़ते हैं. मेटाफेज का अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो मेटाफेज में क्या चेंजेस आने हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा टोटली डिसअपियर हो गया है, सेंट्रियोल्स बिल्कुल पोल्स अपार्ट आ गए हैं, सेंट्रियोल्स दे हैव गिवन राइज टू दीज स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं. और अब चेंज क्या है यहाँ पे कि ये जो क्रोमोसोम थे ये अपने आप को यहाँ सेंटर में बिल्कुल सेंट्रली they will arrange themselves, यहाँ पे एक लाइन में सेंटर में ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे, बाकी जो लेबलिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है. दिस इज मेटाफेज. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज है एनाफेज. एनाफेज की डिवीजन वैसे ही हमारे पास दो हैं, अर्ली और लेट एनाफेज. अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज. अर्ली एनाफेज जो है उसमें क्या चेंज आएगा, अब अर्ली एनाफेज जब हम बनाते हैं तो अर्ली एनाफेज में हमारे सेंट्रियोल्स पोल्स अपार्ट हैं पहले से ही, स्पिंडल फाइबर्स हैं और हमारे जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रली अरेंज्ड है. अर्ली में क्या होगा कि जो सेंट्रली अरेंज्ड ये क्रोमोसोम था ये यहां से स्प्लिट हो जाएगा और ये इस तरह से क्रोमेटिड्स बन जाएंगे,
ठीक है, और यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स जो हैं ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, ठीक है। ये हमारा अर्ली एनाफेज है जहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को वहीं एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं, लेकिन वहीं अभी थोड़ा सेंटर के पास में ही अरेंज्ड हैं। जब हम लेट प्रोफेज करते हैं तो लेट प्रोफेज में जो चेंज आता है वो ये है कि ये जो क्रोमेटिड्स अलग हुए थे ये बिल्कुल पोल्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे ये अपने आप को यहाँ पोल्स पे जो है अरेंज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज, सॉरी अर्ली एनाफेज, जहाँ पे स्प्लिट होके क्रोमेटिड्स सेपरेट हुए हैं और व्हेन दे विल मूव टू द पोल्स, बिल्कुल पोल्स पे जाने लगेंगे, उसमें के उसको हम क्या बोलेंगे, लेट एनाफेज। यहाँ पे एक और चेंज आएगा थोड़ा सा, वो ये कि यहाँ पे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें हल्की हल्की ऐसे इनवेजिनेशन आने शुरू हो जाएगी, जिससे कि द सेल्स दे विल डिवाइड इंटू टू। तो यहाँ पे ये इन्वेजिनेशन, जो सेल्यूलर इन्वेजिनेशन आई है, दैट इज इन लेट एनाफेज, जिससे कि पता लगता है कि अब ये दो सेल्स में डिवाइड होने वाला है। देन आफ्टर एनाफेज वी हैव द नेक्स्ट फेज जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं। अब टीलोफेज हम यहाँ बनाते हैं आगे यहाँ पे, ओके टीलोफेज। टीलोफेज कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड इन टू, यू नो टीलो फेज इज द फेज इन विच अब क्या होगा कि जो सेल है वो बिल्कुल दो में अलग से डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। अब चेंजेस क्या आएंगे हमारे पास, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारे से बन जाना है, उसके बीच में जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमैटिन फाइबर बन जाएगा, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, और सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेंट्रोसोम्स बन जाने हैं यहाँ पे। सो ये हमारा चेंज जो है आएगा टीलोफेज में। अब टीलोफेज के बाद अगला जो स्टेज हम उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये हम माइटोसिस में नहीं, साइटोकिनेसिस लेट टीलोफेज भी बोल सकते हैं हम। साइटोकिनेसिस में क्या होना है कि पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे ऐसे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जो हम अभी तक डिवीजन कर रहे थे दैट इज कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैरियो और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस पहले होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होके नए दो डॉटर सेल्स बना देता है। यहाँ याद रखने वाली ये बात है दैट पेरेंट सेल में जो है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो जो डॉटर सेल हमारे पास बने हैं वहां पे भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, मतलब डॉटर सेल्स विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है किसका, माइटोसिस का, कि द ओरिजिनल नंबर ऑफ ओरिजिनल पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड, ठीक है जी। नाउ आगे वीडियोस देखते रहिए, कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि अब मैं जो है मोस्टली बहुत जल्दी जल्दी से वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगी। थैंक यू सो मच।